से छुटकारा पा सकते हैं इन दोनों समस्या से? सबसे पहले 500 ग्राम जितने गेहूं को 10 से 12 मिनट तक पानी में उबालें। उबालने के बाद गेहूं को अंकुरित करने के लिए किसी गमले में या तो फिर कॉटन के कपड़े में रखकर उसको पानी में लगातार भिगो कर रखें। ऐसा करने से गेहूं अंकुरित हो जाएगा। जब गेहूं के अंकुर 1 इंच जितने लंबे हो जाए तब सिर्फ 2 या 3 दिन तक हर सुबह उसे खाली पेट खूब चबाकर खाइए। सिर्फ 2 या 3 दिन तक खाली पेट अंकुरित गेहूं खाने से अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो चली जाएगी। इतना ही नहीं, 3 से 4 दिन तक रोज़ सुबह खाली पेट अंकुरित गेहूं खाया जाए तो भविष्य में संभवित हार्ट अटैक को भी टाल सकते हैं। दोस्तों, कितना आसान उपचार है ना? जितना आसान है उससे कई गुना असरकारक भी है। ऐसी अद्भुत चिकित्सा को ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जांचा और यह अद्भुत उपचार वास्तव में सही साबित हुआ। मैं मेरे सेमिनार हेल्थ इज रियल वेल्थ में यह चिकित्सा के बारे में बताता हूँ तो कई सारे लोग मुझे सवाल करते हैं। शायद आपको भी यह चिकित्सा रिलेटेड कोई सवाल हो सकता है, तो आइए मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन बता दूँ। कोई मुझे पूछते हैं कि सुबह अंकुरित गेहूं खाने के बाद चाय नाश्ता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन गेहूं खाने के बाद 25 से 30 मिनट के बाद करें तो अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न होता है, क्या अंकुरित गेहूं खाने के बाद पानी पी सकते हैं? सिर्फ 1 घूंट पी सकते हो। आधा या 1 घंटे के बाद जितना पानी पीना चाहें उतना पी सकते हो। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल होता है, क्या गेहूं को उबालने के बाद गेहूं अंकुरित हो सकते हैं? 100% नहीं हो सकता, लेकिन उबलने के बाद सिर्फ 10 से 20% गेहूं अंकुरित हो पाएगा। और यह 10 से 20% गेहूं में ही वो अद्भुत मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है जो डायबिटीज़ दूर करने में काफ़ी उपयोगी है और हार्ट अटैक दूर रखने में मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रत्युत्तर दे सकूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि दूसरे लोगों की सहायता करके किसी का जीवन बचाने का उम्दा काम करना चाहते हो तो यह बेहद उपयोगी वीडियो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। साथ ही अपने सभी सोशल ग्रुप पे शेयर जरूर करें, क्या पता आप किसी की ज़िंदगी बचाने का काफ़ी अच्छा काम कर जाओ। दोस्तों, ऐसे और नए उपयोगी वीडियो अपडेट के लिए यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप स्वस्थ जीवन जियो, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।